Assalamu alaikum. My name is Sidra and today we will discuss our unit number 9 which is based upon database. Isme sabse pehle hum discuss karenge database kya hai, what, why, how, evolution of database kya hai, file system kya hai, data models kya hai, hierarchical network relational hai, entity relationship kya hai aur web database kya hai. Database kya hai? Collection of related data hai and its metadata organized in a structured format. जिसमें डाटा को किसमें ऑर्गेनाइज किया जाता है, स्ट्रक्चर फॉर्म के अंदर किया जाता है फॉर ऑप्टिमाइज इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट, ताकि आप इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट को क्या कर सके, ऑप्टिमाइज तौर पे उस इन्फॉर्मेशन को क्या कर सके, मैनेज कर सके. डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? वो सॉफ्टवेयर है वो जो इनेबल करता है आपको इजी क्रिएशन के अंदर, आपको एक्सेस करने के अंदर, आपको डाटाबेस की मॉडिफिकेशन के अंदर. ये क्या है? एफिशिएंट है और इफेक्टिव. डाटाबेस क्या है? आपके पास मैनेजमेंट है. और इसके अलावा डेटाबेस सिस्टम क्या है? एक इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, पीपल है, प्रोसीजर्स है और आपके पास ये क्या है? डाटा है. ये क्या करता है? डिफाइन करता है, रेगुलेट करता है कलेक्शन स्टोरेज मैनेजमेंट को और यूज ऑफ डाटा को किसके अंदर? डेटाबेस एनवायरमेंट के अंदर. अब ये देखें आपके पास, ये आपके पास क्या है? ये डेटाबेस है. आप डेटाबेस को स्ट्रक्चर में कस्टमर है, इनवाइसेज है, प्रोडक्ट्स है, उसे वो क्या करेगा? मेंटेन करेगा. और वो एट द एंड क्या है आपके पास? एंड यूजर्स है, जिसमें जो प्रॉपरली तौर पर इंटरेक्शन बिल्डअप करता है एंड यूजर्स के दरमियान में और डेटाबेस के दरमियान में, और उसे मैनेज करने में क्या करेगा? हेल्प आउट करेगा. अब डेटाबेस सिस्टम की एनवायरमेंट क्या है? सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है जो मैनेज करता है, डेटाबेस डिजाइनर है जो डिजाइन करेगा, प्रोग्रामर है जो उससे क्या करता है? प्रोग्राम करता है. एंड यूजर यूज करेगा एप्लीकेशन प्रोग्राम को. इस तरह प्रोग्रामर राइट करता है एप्लीकेशन प्रोग्राम को और वो उसे क्या करता है? एक्सेस करता है. डेटाबेस डिजाइनर जो है वो उसे क्या करता है? डिजाइन करता है. और डीबीएस में डाटा को क्या किया जाता है? स्टोर किया जाता है. पर्पज ऑफ डाटाबेस क्या है? ऑप्टिमाइज डाटा मैनेजमेंट है. ट्रांसफॉर्म करता है डाटा को किसके अंदर? इन्फॉर्मेशन के अंदर. इम्पोर्टेंस ऑफ डाटाबेस डिजाइन क्या है? ये डिजाइन डिफाइन करता है डाटाबेस का जो एक्सपेक्टेड यूज है उसको. डिफरेंट अप्रोच है डिफरेंट टाइप ऑफ डाटाबेस के लिए. अवॉइड करता है डाटा की रिडक्टेंसी को. इंश्योर करता है कि डाटा को कैसे आपने इंटीग्रेट करना है. फुल्ली डिजाइन डाटाबेस जो होते हैं वो आपके पास एरर्स को जनरेट करते हैं. फंक्शन ऑफ डीबीएमएस क्या है? स्टोर करता है डाटा को फॉर्म्स की फॉर्म में, रिपोर्ट्स की फॉर्म में. हाइड करता है जो आपकी डाटा की बेस मॉडल की जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं उनको, और आपकी डाटा इंटीग्रिटी को इन्फोर्स करने में ये आपको क्या करेगा? हेल्प आउट करेगा. अब डाटाबेस में सबसे पहले आप प्लानिंग करोगे, उसमें आप क्या करते हो? असेस करते हो किसको? गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को, डाटाबेस की एनवायरमेंट को. फिर आप आइडेंटिफाई करोगे डाटाबेस की नीड्स को. फिर आपने यूजर की नीड्स को देखना है, डाटाबेस की सिस्टम रिक्वायरमेंट्स को देखना है. डिजाइन में आप कॉन्सेप्शन डिजाइन बनाते हो, इम्प्लीमेंटेशन में आप डेटाबेस को क्रिएट करते हो, और मेंटेनेंस के अंदर ट्रबल शूट किया जाता है, अपडेट किया जाता है किसको? स्ट्रीमलाइन ऑफ द डेटाबेस को. बिजनेस रूल क्या है? व्हाट? ब्रीफ प्रिसाइज एंड अनएम्बिगुअस डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑपरेशंस है उनको करता है. पॉलिसीज की बेस के ऊपर, प्रोसीजर्स की बेसिस के ऊपर, और जो प्रिंसिपल्स हैं आपके एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसकी बेसिस के ऊपर. आपको ये हेल्प करता है क्रिएट करने में, इन्फोर्स करने में किसको? एक्शंस को. अप्लाई करने में एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसमें भी आपको ये क्या करेगा? हेल्प आउट करेगा. वाई? इनहेंस करता है किसको? फैसिलिटेट करता है, अंडरस्टैंड करता है कम्युनिकेशन में. स्टैंडर्डाइज कंपनी व्यू ऑफ डाटा है. कॉन्स्टिट्यूट करेगा कम्युनिकेशन टूल्स को डिजाइनर और यूजर के दरमियान में, और अलाउ करता है डिजाइनर को ताकि वो अंडरस्टैंड कर सके किसके? बिजनेस के प्रोसेस को. हाउ? कंपनी मैनेजर है आपके पास, पॉलिसी मेकर है, डिपार्टमेंट मैनेजर, और आपके पास क्या है? एंड यूजर है. रिटर्न डॉक्यूमेंटेशन में आप प्रोसीजर है, स्टैंडर्ड है, उनको यूज करोगे, और ऑब्जर्वेशन में आपके बिजनेस के ऑपरेशन आ जाएंगे. डेटाबेस क्या है? यूजर सेंटर्ड है. इसमें पर्सपेक्टिव क्या है? यूजर का हमेशा ठीक होता है. इफ देयर इज अ प्रॉब्लम विद द यूज ऑफ द सिस्टम इज द प्रॉब्लम नॉट द यूजर. आपका सिस्टम में प्रॉब्लम है, यूजर में प्रॉब्लम नहीं है. कंप्लायंस में द यूजर हैज द राइट टू अ सिस्टम दैट परफॉर्म एग्जैक्टली एज प्रॉमिस, जो बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे उसको प्रॉमिस किया गया है.
इंस्ट्रक्शन क्या है, द यूजर हैज द राइट टू इजी टू यूज इंस्ट्रक्शन. जब यूजर क्या करता है, इंस्ट्रक्शन को यूज करता है अंडरस्टैंडिंग के लिए और सिस्टम को यूटिलाइज करने के लिए. यूजिबिलिटी के अंदर यूजर जो होता है वो मास्टर ऑफ सॉफ्टवेयर है और हार्डवेयर टेक्नोलॉजी है और प्रोडक्ट शुड बी नेचुरल एंड इंट्यूटिव टू यूज है. डेटाबेस मॉडल क्या है, इसमें आप एब्स्ट्रैक्शन करते हैं किसकी, कम्प्लेक्स रियल डेटा मॉडल स्ट्रक्चर्स की. बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक में एंटिटी है, थिंग्स अबाउट विच डेटा आर टू बी कलेक्टेड एंड स्टोर करते हैं. एट्रीब्यूट में कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एंटिटी है. रिलेशनशिप में एसोसिएशन को बिल्डअप करता है. कॉन्स्ट्रेंट में रिस्ट्रिक्शन प्लेस करता है किसके ऊपर, डाटा के ऊपर. आपके पास ये कैसे डाटा मॉडल इवॉल्व हुआ, 1960 में हम फाइल बेस्ड थे, 1970 में हम हायरार्किकल हो गए, 1980s में नेटवर्क है, रिलेशनशिप एंटिटी स्ट्रक्चर है, 1990s में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और 2000 में हम वेब बेस्ड हो गए. मैनुअल फाइल सिस्टम था ट्रैक ऑफ डाटा को रिकॉर्ड करने के लिए, ऑर्गेनाइज करते थे उसको फाइल पर कस्टमर है. इजी टू क्रिएट था बट हार्ड टू लोकेट डाटा. कंप्यूटराइज फाइल सिस्टम में आप अकोमोडेट करते हैं किसको, डाटा ग्रोथ को, इन्फॉर्मेशन की जरूरत को. मैनुअल फाइल सिस्टम को क्या कर दिया उसने, डुप्लीकेट किया कंप्यूटर के अंदर. और इसमें कस्टमाइज प्रोग्राम में आप राइट डिलीट और अपडेट भी कर सकते हैं डाटा को. अब ये कैसा है, ये फाइल मैनेजमेंट प्रोग्राम्स हैं, फाइल रिपोर्ट प्रोग्राम है, ये आपकी कस्टमर की फाइल है, ये आपकी सेल्स की फाइल है और एजेंट की फाइल आ जाएगी. वीकनेस क्या है, आइलैंड्स ऑफ डाटा इज इन स्कैटर्ड फाइल सिस्टम है. प्रॉब्लम किसके साथ है, डुप्लीकेशन के साथ है, फिर इनकंसिस्टेंसी के साथ है. डिफरेंट में बी स्टोर बाय डिफरेंट नेम्स एंड डिफरेंट फॉर्मेट. रिजिडिटी के साथ इसका ताल्लुक है, जिसमें आपके पास कस्टमाइज प्रोग्रामिंग को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है. इम्प्लीकेशन में आपका ताल्लुक वेस्ट ऑफ स्पेस है, डाटा इनएक्यूरेसीज के साथ है और हाई ओवरहेड ऑफ डाटा मैनिपुलेशन के साथ इसका ताल्लुक आ जाएगा. अब ये कस्टमर की फाइल है, एजेंट की फाइल है और ये आपके पास सेल्स फाइल आ गई. ये डाटाबेस वर्सेस फाइल सिस्टम है. कैसे डाटाबेस ने जो है वो पर्सनल डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट सबका रिकॉर्ड जो है वो डाटाबेस के अंदर उसने क्या किया हुआ है, मेंटेन किया हुआ है. फाइल सिस्टम में आपके पास तरीकेकार क्या था, कि आप इम्प्लाइज है, कस्टमर्स है, सेल्स है, इन्वेंट्री है, अकाउंट्स है, हर किसी को अलग अलग जो है उसकी फाइल्स को क्या करते थे, आप मेंटेन करते थे. हायरार्किकल डेटाबेस क्या है, मैनेज करता है लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को. इसमें इंफॉर्मेशन का मैनेजमेंट सिस्टम है, उसमें आपके पास क्लस्टर्ड जो है जो डाटा को इकट्ठा करें. हायरार्किकल एसोसिएशन है डाटा उसके क्लस्टर्स की. हायरार्किकल डेटाबेस मॉडल जो है वो अज्यूम करता है डाटा रिलेशनशिप को क्या, कि वो हायरार्किकल है, वन टू मैनी का रिलेशनशिप है. लॉजिकल रिप्रेजेंट करता है किसको, डाउन ट्री को. रूट सिस्टम में क्या है, फाइनल आपके पास असेंबली है, लेवल वन सेगमेंट कंपोनेंट वन, कंपोनेंट टू, कंपोनेंट थ्री आ जाएगा. एडवांटेजेस क्या है, कंसेप्शनल आपके पास सिंप्लिसिटी है, ग्रुप ऑफ डाटा को रिलेट किया जा सकता है, सेंट्रलाइजेशन ऑफ डाटा पॉसिबल है. डिसएडवांटेज क्या है, लिमिटेड आपकी रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा करता है. कॉम्प्लेक्स इम्प्लीमेंटेशन वो आपके पास एक आ जाएगी, स्ट्रक्चर डिपेंडेंस एक वो आ जाएगी और लैक ऑफ स्टैंडर्ड भी जो है वो आपके पास आ जाएगा. नेटवर्क डेटाबेस में ताल्लुक आपके पास कम्प्लेक्स डाटा रिलेशनशिप के साथ है. ये करता है इम्प्रूव डेटाबेस परफॉर्मेंस को, इम्पोज करता है किसको, डेटाबेस स्टैंडर्ड्स को. नेटवर्क डेटाबेस का ताल्लुक सिमिलर टू हायरार्किकल मॉडल है, कम्पोज ऑफ सेट्स है और इसमें मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप आ जाएगा. अब यहाँ पे देख लें प्रोडक्ट का, ये वन टू मैनी है, ये वन टू मैनी और वन टू मैनी का आपके पास एक ताल्लुक आ जाएगा. एडवांटेज क्या है, रिलेशनशिप टाइप है, एफिशिएंट है, फ्लेक्सिबल आपको यूज कर सकते हैं, आप स्टैंडर्ड के मुताबिक इसमें कंफर्म कर सकते हो. डिसएडवांटेज क्या है, आपकी सिस्टम की कम्प्लेक्सिटी और लैक ऑफ स्ट्रक्चर जो इंडिपेंडेंस है वो भी आपके पास किसमें आ जाएगा, आपकी डिसएडवांटेजेस में आ जाएगा. रिलेशनशिप डेटाबेस क्या है, इसमें प्रॉब्लम विद लेगेसी डेटाबेस जो है उसको देखा गया. रिक्वायर्ड एक्सेसिव एफर्ट्स टू मेंटेन, आपको एक्सेसिव सिस्टम चाहिए होगा मेंटेन करने के लिए. हार्ड टू मैनिपुलेट बाय एंड यूजर, आपके पास एंड यूजर्स को मैनिपुलेट करने में आपको हार्ड है. उसके बाद आपके पास एवोल्यूशन इन डाटा ऑर्गेनाइजेशन को इवॉल्व किया गया. इसके अंदर आपके पास फिजिकल रिप्रेजेंटेशन है, लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन है, उसको देखा गया.
रिलेशनशिप डेटाबेस मॉडल में आप एलिमिनेट करते हैं पॉइंटर को एंड यूज टेबल्स टू रिप्रेजेंट डाटा। उसके बाद आप डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए टेबल्स को यूज करते हैं। फ्लेक्सिबल लॉजिकल स्ट्रक्चर है, सीरीज ऑफ रोज हैं, कॉलम्स हैं, उनको यूज किया गया और ये एंटिटी कैरेक्टरिस्टिक को भी यूज करने में हेल्प आउट करेगी। अब ये कैसे है, उसने व्यू ऑफ डाटा और एसोसिएशन की कस्टमर आईडी, कस्टमर अकाउंट और आपके एजेंट का आईडी आ जाएगी। फिर लास्ट नेम उसका फर्स्ट नेम है, उसका फोन नंबर है। एडवांटेजेस क्या है, स्ट्रक्चर इंडिपेंडेंस है, कैसे उसने डाटा को सेपरेट किया है, डिजाइन को इजियर डेटाबेस डिजाइन इम्प्लीमेंटेशन में हेल्प आउट करेगा, जो क्यूरीज हैं उन्हें स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज में बिल्टअप करने में हेल्प आउट करेगा। डिसएडवांटेज क्या है, सस्टेनेशनल है हार्डवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर के साथ, पुअर डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन इज मेड इजी, इसमें डिजाइन और उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है उसे आसान बनाया गया। एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल का ताल्लुक इसके साथ है, यूनिफाइड व्यू ऑफ डाटा है, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल में बेस्ड ऑन एंटिटी एट्रीब्यूट्स और रिलेशनशिप है। एंटिटी इज अ थिंग विच डाटा आर टू बी सिलेक्टेड, जिसमें डाटा को सिलेक्ट किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है। एट्रीब्यूट्स आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंटिटी, एट्रीब्यूट्स किसकी कैरेक्टरिस्टिक है एंटिटी की। फिर रिलेशनशिप डिस्क्राइब करता है किसको, एसोसिएशन को। फिर आपके पास कम्प्लीमेंट्स रिलेशनशिप, जो मॉडल डाटा मॉडल कॉन्सेप्ट है, ये विजुलाइज करता है किसको, स्ट्रक्चर को, और इसमें टूल है ताकि कंसेप्शनल डाटा मॉडलिंग की जा सके। रिप्रेजेंटेटिव इन अ एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम के अंदर उसे क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। अब ये आपके पास एंटिटी है, रिप्रेजेंट बाय अ रेक्टेंगल विद इट्स नेम इन कैपिटल लेटर। रिलेशनशिप में आपका एक्टिव और पैसिव वर्ब के साथ इसका ताल्लुक है, और कनेक्टिविटीज में उसको क्या किया जाता है, कनेक्ट किया जाता है। ईआर डायग्राम में कैसे उसको आप रिप्रेजेंट करोगे, बाय रेक्टेंगल विद इन अ कैपिटल लेटर है। रिलेशनशिप में आप उसे एक्टिव और पैसिव वर्ब की फॉर्म में कनेक्ट करते हो, और कनेक्टिविटीज में आप सिंबल्स को यूज करते हो, किसके लिए, एंटिटीज के लिए। ईआर मॉडल क्या है, एडवांटेजेस क्या है, एक्सेप्शनल कॉन्सेप्शन सिंप्लिसिटी है, इजीली व्यू कर सकते हैं, फैसिलिटेट करता है। डिसएडवांटेज क्या है, इनकम्प्लीट मॉडल ऑन इट्स ओन है, लिमिटेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ पावर करता है, लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन कॉन्टेंट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस है, जिसका ताल्लुक इसके साथ है, सिमनेटिक डेटाबेस मॉडल के साथ है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का ताल्लुक 1990s में फैसिलिटेट किया प्रोग्राम को। उसके पास इसमें फायदा क्या है, मेंटेन करता है, जो एडवांटेजेस है किसके, ईआर को, और इसमें इजाफा किया गया कुछ नए फीचर्स को। एट्रीब्यूट्स हैं, मेथड्स हैं, सेल्फ कॉन्टेंट्स को यूज किया गया, एम्प्लॉय क्लास है, उस डाटा को क्या करेगा, ऑर्गेनाइज करेगा। इनकॉर्पोरेट्स द नोशन ऑफ इनहेरिटेंस, एट्रीब्यूट्स और मेथड को आपको क्लास करने में क्या करता है, हेल्प आउट करता है। और डेटाबेस मॉडल क्या है वर्सेस ईआर डेटाबेस मॉडल, रिलेशनशिप विद द ऑब्जेक्ट है, बिल्डिंग ब्लॉक फॉर ऑटोनोमस जो आपके स्ट्रक्चर्स हैं उसमें बिल्डअप करेगा। सिमनेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, फ्यूलर एंड मोर मीनिंगफुल डिस्क्रिप्शन ऑफ डाटा है, आपके पास एबिलिटी टू हैंडल कॉम्प्लेक्स डाटा को हैंडल करने में हेल्प आउट करेगा। लैक ऑफ स्टैंडर्ड्स हैं, कॉम्प्लेक्स नेविगेशनल डाटा एक्सेस में आपको हेल्प आउट करेगा। डिफिकल्ट टू डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन की जो प्रॉब्लम है उसको खत्म करने में आपको हेल्प आउट करेगा। वेब डेटाबेस जो है इमर्जिंग प्राइम बिजनेस टूल है, जो शिफ्ट अवे फ्रॉम मॉडल्स है, और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटरनेट जो आपके पास एज डेटाबेस है, फ्लेक्सिबल एफिशिएंट स्क्योर जो है इंटरनेट जो है वो आपका एक्सेस है, ईज ऑफ यूज है, और ये आपके डेटाबेस मॉडल को सिंपल करने में क्या करता है, हेल्प आउट करता है। NoSQL जो इज नॉट लिटरली NoSQL, देयर आर नो रिलेशनशिप डेटा सोर्स, नेक्स्ट जनरेशन डेटाबेस बीइंग नॉन रिलेशनल डिस्ट्रीब्यूटेड ओपन सोर्स है, और ये हाई परफॉर्मेंस ऑन द जो ड्राइविंग फोर्स है उसमें अच्छे तरीके से परफॉर्म ये करता है, और ये आपके पास जो है फ्लेक्सिबल है, लीनियर है, और इसकी परफॉर्मेंस लेवल भी क्या है, हाई है। ये इसके फायदे क्या है, ओपन सोर्स है, इलास्टिक स्केलिंग है, और सिक्योरिटी है, नॉन इंडेक्सिंग सपोर्ट है, और इमेच्योर होना जो है इसका डिसएडवांटेज आ जाएगा। तो इस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने बेसिकली डिस्कस किया है कि इसको डेटाबेस को, डेटाबेस का फायदा क्या है, डेटाबेस के एवोल्यूशन कहाँ से स्टार्ट होता है, ईआर डायग्राम क्या है, रिलेशनशिप डेटाबेस के क्या बेनिफिट्स हैं, नेटवर्क डेटाबेस क्या होते हैं, हायरार्किकल डेटाबेस क्या है,
उन सब चीज़ों को हमने इसके अंदर इन डिटेल क्या किया है, डिस्कस किया। ओके, थैंक यू।